NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय। कक्षा कक्ष में बच्चों में प्रश्न कौशल का विकास कैसे करें, इस विषय पर आज हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे। किसी सूचना या जानकारी की प्राप्ति के लिए या किसी शंका के समाधान के लिए प्रयुक्त भाषाई अभिव्यक्ति को प्रश्न कहते हैं। सभ्यता के विकास में प्रश्नों का बहुत महत्व है। कुछ विचारक तो यहाँ तक कहते हैं कि भाषा का आविष्कार ही प्रश्न करने के लिए हुआ। कुछ अन्य लोगों का विचार है कि उत्तर की अपेक्षा प्रश्न करना अधिक महत्व रखता है। भारतीय संस्कृति में प्रश्नोत्तर परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसे सत्य की खोज के प्रमुख उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता था। प्रमुख उपनिषद में प्रश्नोपनिषद भी एक है। सामान्यतः मनुष्य जिज्ञासावश शंका समाधान हेतु, नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु, समस्याओं के निराकरण हेतु प्रश्न करते हैं। सुकरात कहते हैं, सच्चा ज्ञान संभव है बशर्ते उसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए। जो बातें हमारी समझ में आती हैं, हमारे सामने आई हैं, उन्हें तत्व संबंधी घटनाओं पर हम परखें और इस तरह अनेक परखों के बाद हम एक सच्चाई पर पहुँच सकते हैं। ज्ञान के समान पवित्रतम कोई वस्तु नहीं है और ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रश्न करने पर बल दिया। सुकरात ने कभी भी ऐसे ही बातों को मान लेने पर जोर नहीं दिया। वे आर्ग्यूमेंटिव तरीके से प्रश्न करते हुए ज्ञान की प्राप्ति में विश्वास करते थे। प्रश्न हमें दुनिया से परिचित कराते हैं। जीवन के आविष्कार, परिवर्तन, सुधार, निर्णय लेने, समस्या को हल करने के लिए हमारे पास सबसे शक्तिशाली उपकरण यदि कोई है तो वह है प्रश्न। बच्चों के अधिगम व वृद्धि का केंद्र भी प्रश्न है। एक प्रश्न रहित दिमाग जो दूसरों के विचारों पर आधारित होता है, एक दिशाविहीन नौका की तरह होता है। क्लाउड लेवी स्टॉस के अनुसार एक वैज्ञानिक मन सही उत्तर के स्थान पर सही प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी प्रकार डेसमंड मॉरिस के अनुसार हम कभी भी जांच बंद नहीं करते। हम कभी संतुष्ट नहीं होते कि हम इसे पाने के लिए पर्याप्त जानते हैं। हम जिन प्रश्नों को बारंबार करते हैं उनके उत्तर ही दूसरे प्रश्न बन जाते हैं। इस प्रकार प्रश्न हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि बच्चों से प्रश्न क्यों पूछे जाए। हम अपनी कक्षाओं में शिक्षक रहते हुए देखते हैं कि हमारे पास बच्चों के अनगिनत प्रश्न सामने होते हैं और हम प्रायः सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि प्रत्येक छात्र के प्रश्न को अनुत्तरित ना करें। आखिर ऐसा क्यों है, क्यों आवश्यक है प्रश्नों को पूछा जाए, प्रश्नों को पूछने के क्या फायदे हैं? देखिए, जब भी हम किसी विषय से संबंधित रुचि और जिज्ञासा को पैदा करना चाहते हैं, किसी विशेष मुद्दे या अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, सीखने के लिए छात्रों में एक सक्रिय दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं, स्वयं को और छात्रों को बार बार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं और अधिकतम अधिगम की प्राप्ति चाहते हैं, तो हमें प्रश्न करना चाहिए। सीखने में बाधा जो आती है, जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनके निदान हेतु प्रश्न आवश्यक है। पाठ में शामिल होने वाले समूह के साथ संवाद करने के लिए प्रश्न एक उम्मीद बनकर आते हैं। इससे समूह के सभी सदस्यों के बीच में अंतःक्रिया का मौका मिलता है। विद्यार्थियों को आत्मसात करने, प्रतिबिंबित करने का अवसर हमें प्रश्न ही प्रदान करता है। एक अनुमानित संज्ञानात्मक ऑपरेशन का उपयोग करने में विद्यार्थियों को शामिल करने हेतु प्रश्न कौशल विकसित करना आवश्यक होता है। विद्यार्थियों के लिए विचार विमर्श के द्वारा सीखने का जो मौका आता है, वह केवल प्रश्न के द्वारा आता है। उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रश्न आवश्यक हैं। उच्च संज्ञानात्मक स्तर अर्थात बच्चों में सृजनात्मकता, बच्चों में आलोचनात्मक शक्ति, विश्लेषण की क्षमता, संश्लेषण की क्षमता, बोध की क्षमता, व्याख्यान की क्षमता और उनमें विवरण देने की क्षमता, चर्चा करने की क्षमता जो आती है, संवाद स्थापित करने की जो क्षमता आती है, वह केवल और केवल प्रश्न के माध्यम से आती है। हम केवल व्याख्यान प्रस्तुत करके बच्चों को संतुष्ट नहीं कर सकते। हम आगे चर्चा करेंगे कि छात्रों को किस प्रकार प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करें।
सामान्यतः जब भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है तो एक शिक्षक के सामने कक्षा में चार प्रकार के छात्र होते हैं। वे छात्र जो पूछे गए प्रश्न का पूर्ण सही उत्तर देते हैं, जिनकी सहभागिता भी कक्षा में अधिक होती है। दूसरे वे छात्र जो किसी भी पूछे गए प्रश्न का आधा अधूरा उत्तर देते हैं। तीसरे वे छात्र जो शर्मीले स्वभाव के होते हैं। चौथे वे छात्र जो पूर्णतः गलत उत्तर देते हैं या किसी भी प्रश्न की प्रतिक्रिया में उदासीन होते हैं। अब इन चारों प्रकार के छात्रों को हमें उत्तर देने के लिए और प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? ऐसे छात्रों को शिक्षक किस प्रकार प्रोत्साहित करे? प्रथम प्रकार के छात्रों को, जो कि जिनकी सहभागिता अधिक थी, जो सही उत्तर देते थे, ऐसे छात्रों को हम उच्च मानसिक स्तर से संबंधित प्रश्न करने के लिए, आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरे प्रकार के छात्र जो आधे अधूरे उत्तर देते थे, जो प्रकरण से संबंधित प्रमुख तथ्यों को रट करके बोलने का प्रयास करते हैं, ऐसी सूचनाओं को एकत्रित करते हैं जो उनके ज्ञानात्मक रटने की आदत को प्रदर्शित करती हैं, ऐसे छात्रों को हम सुझाव देंगे कि वे गहराई पूर्वक सीकिंग इन्फॉर्मेशन करते हुए प्रकरण की स्पष्टता को प्राप्त करें। ऐसे छात्रों को हम टीम वर्क में कार्य दें। तीसरे प्रकार के जो छात्र हैं, जिन्हें जो शर्मीले स्वभाव के हैं, जो कक्षा में कम क्रिया करते हैं, ऐसे छात्रों को जब भी हम प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करें तो उनकी संवेदना, उनके स्वभाव का हमें ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कि कक्षा में अन्य छात्रों के सामने उनका स्वभाव एक हास्यास्पद घटना बन जाए। यदि ऐसा होता है तो फिर वे रुचि नहीं लेते हैं। उनकी रुचि का विशेष ध्यान रखते हुए कक्षा में ऐसी परिस्थितियां निर्मित करें कि वे छात्र प्रश्न करें। चौथे प्रकार के छात्र जो गलत उत्तर देते हैं, अक्सर जो देखते हैं हम कक्षा में जो छात्र गलत उत्तर दे देते हैं, शिक्षक क्या करता है, उन्हें नकारात्मक पुनर्बलन दे करके, डांट फटकार करके बैठा देते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह उत्तर देना भी छोड़ देता है और साथ में अपनी जिज्ञासा, जो प्रश्न करना चाहता है, उसको भी बंद कर देता है। ऐसे छात्रों को सही उत्तर देने वाले छात्रों से सहयोग प्रदान करें, जिससे वह अपनी गलती को सुधार ले, उनसे प्रश्न करना सीखे और आगे उसे प्रश्न को किस प्रकार करना चाहिए वह भी उसे बताएं। आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न छात्रों के द्वारा किए जाते हैं। कक्षा में प्रश्नों को पूछने के तरीके। देखिए, शिक्षक छात्रों के समक्ष एक आदर्श के रूप में होता है, जिसका अनुकरण सामान्यतया छात्र करते हैं। अतः भी बहुत आवश्यक है कि शिक्षक प्रश्न किस प्रकार से करे, किस प्रकार के प्रश्नों को पूछे, क्योंकि छात्र उसी को देख करके प्रश्न करना सीख रहे हैं। अक्सर आप देखते हैं कि सभी विद्यार्थी प्रश्नों के बारे में सोचते हैं। जैसे ही हम एक प्रश्न एक स्टिमुलस की तरह छात्रों की तरफ फेंकते हैं तो तुरंत सभी विद्यार्थी उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन एक शिक्षक के रूप में क्या आपको पता है कि क्या सभी विद्यार्थी उसको सोचते हैं? किस तरह सभी विद्यार्थी उसमें अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं? शोध दर्शाते हैं कि बहुत से शिक्षक ऐसे होते हैं जो उत्तर देने के लिए कहने से पहले ही विद्यार्थियों को केवल एक सेकंड का समय प्रदान करते हैं। क्या आप विद्यार्थियों को अपने उत्तर के बारे में सोचने के लिए समय देते हैं? शिक्षक भी अक्सर उन्हीं विद्यार्थियों से प्रश्न उत्तर देने के लिए कहता है जिन्होंने पहले से हाथ खड़ा कर रखा है। इस प्रकार की परिस्थिति में सहभागिता आगे के बेंचों से ज़्यादा आती है, लेकिन वे छात्र जो पीछे के बेंच पर बैठे हुए हैं, क्या वे भी सहभागिता कर रहे हैं? हमें अपने प्रश्नों को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कक्षा में कि वो प्रत्येक छात्र उसमें सहभागिता करे। लेकिन कुछ ही सेकंड में आप ये देखिए, थोड़ा सा परिवर्तन करिए। यदि आप बहुत जल्दीबाजी में प्रश्न करके कुछ सेकंड का समय देंगे तो छात्र में चिंतन शक्ति विकसित नहीं होगी। लेकिन यदि आप पहले मात्र कुछ सेकंड का इंतज़ार करें तो देखिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर एक, विद्यार्थी के उत्तरों की लंबाई बढ़ सकती है। नंबर दो, उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। नंबर तीन, विद्यार्थियों के प्रश्नों की आवृत्ति, जब वो प्रश्न सुनेंगे, उसे समझेंगे, उसके उत्तर के लिए प्रयास करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो वो प्रश्न पूछेंगे।
तो विद्यार्थियों को अगर हम प्रश्न करके कुछ समय तक उसे सोचने का मौका दें तो विद्यार्थियों में प्रश्न करने की आवृत्ति निश्चित रूप से बढ़ेगी। कम सक्षम विद्यार्थियों के पास से भी उत्तरों की संख्या बढ़ेगी और विद्यार्थियों के बीच में एक सकारात्मक संवाद पैदा होगा। प्रश्न के माध्यम से चिंतन के समय में भी हम वृद्धि कर सकते हैं। शिक्षक छात्रों की चिंतन शक्ति को बढ़ा सकता है। यदि प्रश्न करते समय हम प्रश्नों की सूची बनाएं, नीचे दिए गए प्रश्न इस बात का उदाहरण है कि आप जिस तरह से अपने प्रश्नों को बनाते हैं उसमें छोटा सा बदलाव किस प्रकार से उनकी चिंतन शक्ति को प्रोत्साहित कर सकता है। अगर हम बल पढ़ा रहे हैं तो बल पढ़ाते समय हम कहते हैं कि बल कोई धक्का या खिंचाव है। अगर हम उस पर एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि मेज के साथ साथ आप ईंट को भी खींचते हैं और आप ज़ोर से खींचते हैं तो क्या होगा? कंक्रीट के खेल के मैदान में ईंट को रख करके धक्का देते हैं तो क्या घटित होगा? तो अगर आप ऐसे प्रश्न करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कक्षा 7 में ऊष्मा का संचरण पढ़ा रहे हैं और आपसे प्रश्न आता है, छात्र करता है कि ऊष्मा और प्रकाश में क्या संबंध है, क्या इन दोनों में भी कोई संबंध होता है? तो ऐसे प्रश्नों को आपको प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से छात्र की आलोचनात्मक शक्ति को बढ़ाते हैं। प्रश्न करते समय विचार के लिए रुकें। यह हो सकता है कि आपके अधिकतर विद्यार्थी आपके द्वारा दिए गए सक्षम परिवर्तनों से अवगत ना हो, लेकिन क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न पूछने का प्रबंध आपने कितनी अच्छी तरीके से किया? आप विराम दे करके खुद से रुकें और उनकी भागीदारी के लिए उन्हें समय प्रदान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से छात्र प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इससे पहले कि आप विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहें, उसे सोचने का निश्चित रूप से समय दें। हो सकता है कि जो ज़्यादा अल्पभाषी विद्यार्थी है वो संक्षिप्त पूर्वक प्रश्न को दे करके प्रोत्साहित हो सके, तो अल्पभाषी विद्यार्थी को संक्षिप्त पूर्वक प्रश्न प्रदान करें और ऐसे विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया देने पर पुनर्बलन प्रदान करें। छात्रों को प्रश्न हेतु प्रेरित करने के लिए आवश्यक है कि हमेशा बंद सिरे वाली गतिविधि न कराएं, खुले प्रश्न करें जिसमें वह अपनी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। सृजनात्मक क्रियाओं को कक्षा में बढ़ावा दें, सामूहिक क्रियाओं को कक्षा में बढ़ावा दें, उन्हें कोऑपरेटिव टीचिंग लर्निंग की तरफ लेके जाएं, विद्यार्थियों के चिंतन को विस्तार करना सिखाएं, विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना भी सिखाएं। अगर आप विद्यार्थियों के बोलते समय प्रत्येक बात के लिए संवेदनशील होते हैं तभी उनमें उत्तर देने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास आता है और जब उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से वे प्रश्न भी करेंगे। अक्सर हम कहते हैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं कि कोई छात्र उत्तर देता है या कुछ प्रश्न ही कर ले वह, तो हम कहते हैं तुम मूर्ख हो, तुम्हें यह भी नहीं पता है, और ऐसे अपमानजनक शब्द या दंड दे करके हम विद्यार्थियों का मजाक उड़ाते हैं। भय से इसके कारण से वह अन्य प्रश्न करना छोड़ देता है। ऐसे में इसकी बजाय अगर आप उत्तर के उन हिस्सों को चुनें जो सही है और जो सहायक हो सकते हैं उसके आगे के प्रश्न के लिए, और उसे सोच करके उसको प्रोत्साहित करते हुए सही उत्तर के लिए, सही प्रश्न के लिए आगे बढ़ाएं, तो सक्रिय भागीदारी छात्रों की बढ़ती है। इस प्रकार आज की चर्चा में हमने देखा कि प्रश्न कितने महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी छात्र की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, उसकी रुचि को प्रेरित करने के लिए, और प्रश्न वैज्ञानिक सोच की तरफ लेकर के जाते हैं। तो निश्चित रूप से कक्षागत अंतःक्रिया में हमें प्रश्नों को की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए छात्रों को एक स्वतंत्र भय मुक्त वातावरण निर्मित करना होगा। कक्षा में जितना भय मुक्त वातावरण हो, जितने छात्रों की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए, वह निश्चित रूप से उतने ही प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित होते जाते हैं। इस प्रकार हम अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।